अनिल जी, अगर बात की जाए फतवों की, तो अक्सर महिलाओं को लेकर फतवे जारी होते हैं। कल दारुल उलूम ने फतवा जारी किया है कि जो महिलाएं हैं वो अपने पति के साथ किसी भी बारात में शामिल नहीं हो सकती हैं। क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार से कई बार अपील कर चुकी हूँ और मेरी सरकार से दोबारा अपील है कि ऐसे देवबंद दारुल उलूम जो चल रहा है इसकी जांच हो, ताकि ये पता चल सके कि ये इस तरह के फतवे देकर के समाज में भ्रांति क्यों फैला रहे हैं, समाज को गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं। औरतें अपने घर के मर्दों के साथ नहीं जाएंगी तो वो फिर किसके साथ जाएंगी? ये कौन होते हैं ये तय करने वाले कि औरतें कहाँ जाएंगी, किसके साथ जाएंगी, कहाँ खाएंगी, क्या नहीं खाएंगी, क्या पहनेंगी, क्या ओढ़ेंगी, ये तय करने का काम इन्हें नहीं है। और फतवा देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब फतवे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो इस तरह के फतवे देकर के वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और इस तरह के गैर कानूनी काम करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और इन पर पूरी तरह से बैन लगाना चाहिए। सरकार अभी तक इन हरकत में नहीं है, क्योंकि ये फतवे दर फतवे दिए जा रहे हैं और समाज को गुमराह करने का काम किए जा रहे हैं, और ऐसे में सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों पर बैन लगाना चाहिए। इनकी पूरी जांच होनी चाहिए, इनकी फंडिंग कहां से होती है, कहीं ये पाकिस्तान और दूसरे देशों के एजेंट तो नहीं जो हमारे देश में घूम रहे हैं और हमारे देश को बदनाम करने का, हमारे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये इस्लाम को बदनाम करने का सिर्फ काम करते हैं, ये इस्लाम को कभी भी तरक्की पे ले जाने का काम नहीं करते। एक बस आखिरी सवाल ये है कि क्यों महिलाओं को ही फतवा जारी किया जाता है, पुरुषों के लिए क्यों नहीं होता जारी? ये फतवों का कोई मतलब नहीं है। जहां हम लोग तांत्रिक देश में रहते हैं, हमारी अपनी आजादी है, हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या ओढ़े, कहां जाएं, किसके साथ जाएं और किसके साथ ना जाएं, ये हमारी अपनी आजादी है। इस तरह के फतवों का कोई मतलब नहीं है। ये औरतों पर फतवा इसलिए देते हैं क्योंकि इनको लगता है कि औरतें अगर इनके कब्जे से बाहर हो जाएंगी तो वो बच्चा पैदा करने की मशीन और इनकी हाथ का खिलौना नहीं रह पाएंगी, इसलिए औरतों पर लगाम लगा करके उन्हें अपने हाथ का खिलौना बना के रखना चाहते हैं और कुछ नहीं।